हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक माय नेम माई राज माय चैनल विजन किंग तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरे चैनल विजन किंग पे स्वागत है फ्रेंड्स टुडे विल डिस्कस अबाउट द एनाटॉमी ऑफ जैसे कि आप लोगों को पहले से पता चल गया होगा तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं ओके फ्रेंड्स देखिए मैं आपको हमारा जो आई का स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ठीक है ये हो गया हमारा आउटर सर्फेस ऑफ द आई बॉल ठीक है फ्रेंड्स ये जो पोस्टर पार्ट है ना आईवल का जो कि हमारा सपोर्टिंग लेयर होता है प्रोटेक्टिव लेयर होता है का इसको हम कहते हैं स्क्लेरा एंड जो एंटर, जो पार्ट है इसको हम कहते हैं कॉर्निया ठीक है फ्रेंड्स अगर हम ये स्क्लेरा के इनर साइड अगर मूव करते हैं जो नेक्स्ट लेयर आता है उसको हम कहते हैं द दास्कुलर लेयर विच इज द मिडिल लेयर ऑफ द आई और यू कैन से दैट इज ट्रैक फ्रेंड्स देखिए ये जो हमारा मिडिल लेयर होता है इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, द पोस्टर वन दैट इज नोन एज पार्ट्स दैट इज सिलियरी बॉडी एंड ठीक है फ्रेंड्स अब देखिए उसके अगर हम इनर साइड मूव करते हैं जो नेक्स्ट लेयर आता है उसको हम कहते हैं रेटिना ठीक है अगर हम कोरेड के इनर साइड मूव करेंगे तो नेक्स्ट आता है लेयर जिसको हम कहते हैं सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई इनर लेयर ऑफ द आई दैट इज नोन एज रेटिना ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स देखिए जैसे कि आप लोग जानते हैं आज हम सिर्फ बात करेंगे कोरेड के ऊपर ठीक है तो मैं क्या करता हूँ ना ये जो कोरेड का इधर से छोटा सा पार्ट आपको कट करके इधर आपको बड़ा करके दिखाता हूँ कि उसका क्या क्या सब लेयर्स होते हैं ओके फ्रेंड्स देखिए जो हमारा आईबल का आउटर लेयर है ठीक है इज द प्रोटेक्टिंग द सपोर्टिंग लेयर ऑफ द आई ठीक है जिसको हम कहते हैं स्क्लेरा इसको मैं इधर ड्रॉ कर देता हूं ठीक है फ्रेंड्स ये हो गया हमारा स्क्लेरा इज द प्रोटेक्टिंग द सपोर्टिंग लेयर ऑफ द आई ठीक है ये हो गया हमारा स्क्लेरा ठीक है अगर हम स्क्लेरा के इनर साइड अगर हम मूव करते हैं नेक्स्ट जो लेयर आता है उसको हम कहते हैं कॉरेड ठीक है फ्रेंड्स जो कोरड है उसका आउटर फास्ट लेयर जो आता है ठीक है उसको हम कहते हैं सुप्रा कोरिडल लैमिना ठीक है

फिर इनर साइड मूव करेंगे तो नेक्स्ट जो लेयर आता है उसको हम कहते हैं हेलर्स लेयर ठीक है ऑफ ऑफ लार्ज लॉन्ग टाइप ब्लड वेसल्स एंड ठीक है है नेक्स्ट जो लेयर उसको हम कहते हैं हेलर्स लेयर जो कि कॉन्सिस्ट करता है लॉन्ग टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड ठीक है फिर अगर हम इनर साइड मूव करेंगे हेलर्स लेयर से जो नेक्स्ट लेयर आता है उसको हम कहते हैं सेटलर्स लेयर हुई कॉन्सिस्ट ऑफ मीडियम साइज ऑफ ब्लड वेसल्स एंड ठीक है फ्रेंड्स

ये हो गया हमारा नेक्स्ट आता है हमारा रेटिना रेटिना का फास्ट दैट इज है नेक्स्ट आता है हमारा रेटिना जिसका लेयर होता है रेटिनाल पिगमेंट एपिथेलियम ओके आरपी आरपी लेयर ओके फ्रेंड्स देखिए मैं आपको और एक बार बता देता हूं ये टोटल को हम कहते हैं कोरोयड ठीक है यहां से यहां इसको हम कहते हैं कोरॉइड

अब चलते हैं नेक्स्ट अगर हम ये जो सुपरा को है इससे अगर हम फिर इनर साइड मूव करते हैं जो नेक्स्ट लेयर आता है उसको हम कहते हैं हेलर्स लेयर हेलर स्लेयर ऑफ लार्ज लॉन्ग टाइप्स ऑफ ब्लड वेजल्स एंड ठीक है अगर हम फिर हम हेलर्स लेयर से अगर नेक्स्ट मूव करते हैं इनर साइड जो नेक्स्ट लेयर आते हैं उसको हम कहते हैं सेटेलर लेयर हुईज कॉन्ट ऑफ मीडियम साइज ऑफ ब्लड वेजल्स एंड ठीक है फ्रेंड्स ये लेयर एंड हेलर्स लेयर्स इन दोनों को हम कहते हैं स्ट्रोमा ऑफ कोर ठीक है इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा ठीक है फ्रेंड्स सेटलर स्लैर्स एंड हेलर स्लेयर को हम कहते हैं स्ट्रोमा ऑफ दी कोरोड अगर हम सेटलर स्लेयर से फिर इनर साइड मूव करते हैं जो नेक्स्ट लेयर आता है दैट इज लेयर ऑफ कोरियो कैपिलरीज हुईज कॉन्सिस्ट ऑफ स्मॉल साइज ऑफ ब्रॉड वेजल्स एंड भैंस ठीक है अगर हम कोरियो कैपिलरीज से नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट लेयर आता है दैट इज बैजल लेमिना और ब्रूस मेम्ब्रेन जो कि हमारा रेटिना का जो आर पी लेयर है एंड कोरियो कैपिलरीज है इन दोनों को सेपरेट करता है इन दोनों को डिवाइड करता अब देखिए फ्रेंड्स ये जो कोरोड है ठीक है वो स्क्लेरा से लूजली अटैच होकर रहता है फॉर्मली अटैच होकर रहता है लेकिन हमारा रेटिना का आरपी लेयर से टाइटली स्ट्रॉन्गली अटैच होकर रहता है क्लियर फ्रेंड्स

फेले हुए होते हैं एक जगह ऐसे आते हैं हमारा सिलियरी बॉडी के पास जहां पर रॉड्स एंड कोन सेल्स सबसे होते हैं वहां से और आगे नहीं जाते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को हम कहते हैं ओरा सेरेटा दैट इज द जंक्शन इन बिटवीन द रेटिना एंड सिलियरी बॉडी ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स देखिए जो हमारा कोरड है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम ऑप्टिक डिश टू ओरा सेरेटा क्लियर अब चलते हैं नेक्स्ट आउटर सरफेस दैट इज रॉप एंड इन कॉन्टैक्ट विद फ्रेंड्स जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं डायग्राम के थ्रू जो हमारा आउटर सरफेस ऑफ होता है जिसको हम कहते हैं सुपरा कोरिडर लाइमि याद है कि नहीं यस याद होगा तो फ्रेंड्स जो हमारा आउटर सर्फेस है सुप्रा कोरिडर लाइमिना है वो किसके साथ कॉन्टैक्ट होकर रहता है स्क्लेरा के साथ एंड जो कि रॉप होता है ठीक है फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट इनर सर्फेस इज स्मूथ ब्राउनिश एंड इन कॉन्टेक्ट विथ आरपी ठीक है जो हमारा इनर सर्फेस है क्या कहते हैं कहते हैं बताओ कि जो हमारा इनर सर्फेस है उसको हम कहते हैं बाजल लेमिना और ब्रूस मेम्ब्रेन याद है ना ओके तो फ्रेंड्स जो हमारा इनर सर्फेस है ब्रूस मेम्ब्रेन या बाजल लेमिना जो कि स्मूथ ब्राउनिश इन कलर होता है एंड जो कि कॉन्टैक्ट होकर रहता है आरपी रेटिनाल पिगमेंट एपिथिलियम ऑफ दी रेटिना के साथ क्लियर तो फ्रेंड्स अब चलिए नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कोरोइड के बारे में ठीक है फ्रेंड्स जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कोरोइड है उसका फास्ट पार्ट में आता है सुप्रा कोरोइडल लैमिना मैं इधर लिखना भूल गया था नीचे लिख दिया हूं तो फ्रेंड्स आप ऊपर लिख लेना ठीक है फर्स्ट में आता है नेक्स्ट आता है स्ट्रोमा देन आता है हमारा लेयर ऑफ कुरियो एंड देन लास्ट में आता है बताओ दैट इज ब्रूस मेम्ब्रेन बाजल लामिना ओके फ्रेंड्स तो पहले हम बात करेंगे सुप्रा कोरिडा लामिना के बारे में इट इज मेड अप ऑफ कॉन्डेंड कोलाजन फाइबर्स एंड मेलाइड्स ठीक है हमारा जो सुपरा कोरिडा है वो किससे बनी होती है कोलाजन फाइबर्स एंड मेलाइड से नेक्स्ट थिन लेयर कंटिन्यूस एंट्रली विध सुपरा सिलियरी लाइमिरी बॉडी ठीक है फ्रेंड्स जो हमारा सुपरा कोरिडल लाइमि है ठीक है वो कोरोड में होता है जिसको हम कहते हैं सुपरा कोरिडल लाइमिना एंड देन जब वो एंटरली मूव करते हैं सिलियरी बॉडी में ठीक है उस लेयर को हम कहते हैं सुपरा सिलियारी लाइमिना क्लियर फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट दैट इज सुपरा स्पेस कॉन्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग सिलियरी एंड नॉर्व फ्रेंड्स सुप्रा कोरिडल स्पेस मीन्स क्या है मैं आपको बताया था डायग्राम में

इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोस्कोपिकली इट कॉन्सिस्ट ऑफ फाइव लेयर्स ठीक है फ्रेंड्स जो हमारा बाजल लेमिना है माइक्रोस्कोपिकली इट कॉन्सिस्ट ऑफ फाइव लेयर्स द फर्स्ट वन दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कोरियो कैपिलरीज सेकंड आउटर कोलाजन लेयर एंड थर्ड दैट इज मिडिल इलास्टिक लेयर फोर्थ इनर कोलाजन लेयर एंड फिफ्थ दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ आरपी दैट इज रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम फ्रेंड्स आप अपने स्क्रीन के ऊपर डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं जो हमारा कोरोड है उसका क्या क्या लेयर्स होता है फर्स्ट वन दैट इज सुप्रा कोरिडर लामिना सेकेंड स्ट्रोमा ऑफ हेलर्स लेयर एंड सेटलर्स लेयर देन कोरियो कैपी बेजल लेमिना और दैट इज ब्रूस मेम्ब्रेन ओके फ्रेंड्स फ्रेंड्स अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं द फंक्शंस ऑफ कोरोइड के बारे में फर्स्ट पॉइंट दैट इज ब्लड सप्लाई टू द आउटर फोर लेयर्स ऑफ रेटिना ठीक है जो हमारा कोरोइड है वो रेटिना का आउटर फोर लेयर्स में ब्लड सप्लाई करता है एंड न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है क्लियर अब नेक्स्ट मॉड्यूलेशन ऑफ हाइस्कुलेरेशन रेगुलेट्स रेटिनल हीट असिस्ट इन द कंट्रोल ऑफ इंट्रा प्रेशर एंड पिगमेंट ऑब्जोर्स एक्सेस लाइट सो अवॉइडिंग रिफ्लेक्शन ठीक है ये हो गया हमारा फंक्शन ऑफ कोरइड के बारे में फ्रेंड्स अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द कोरोट के बारे में ठीक है फर्स्ट दैट इज बाय शॉर्ट पोस्टर सिलेरी आर्टरीज सेकेंड वन

फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि जितना सारा चीज आज में एनाटोमी ऑफ कॉड के बारे में आपको बता हूं आपको समझ में होगा एंड आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे अगर हाँ है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स कीजिए एंड हाँ अगर इस तरीके से आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं एनाटोमी फिजोजी एंड डिजीज के बारे में तो स्क्रीन में दिए गए भिजन किंग को टाइप करके सब्सक्राइब कर देना बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके एंड आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें चलिए दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर सी द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच